अगर हम कल से आज तक में देखें तो एडिशनल 472 नए केसेज आए हैं, अब तक टोटल 79 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, और कल से और आज तक में देखें तो 11 एडिशनल डेथ रिपोर्ट हुई हैं। साथ ही 267 पर्संस दे हैव ऑलरेडी रिकवर्ड ऑल्सो फ्रॉम कोविड-19। अगर हम तबलीगी जमात की घटना को और वो घटना ना हो उसको कंपेयर करें तो हमने देखा है कि जो हमारा डबलिंग रेट यानी कि कितने दिनों में केस डबल होते हैं वह करीब 4.1 है अभी। वो अगर ये घटना नहीं होती और ये एडिशनल केसेस हमारे नहीं आते तो वह करीब 7.4 डेज होती। आज कोविड से संबंधित कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने सारे ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, चीफ मेडिकल ऑफिसर, स्टेट सर्वेलेंस और डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर, स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कोविड-19 की समीक्षा की। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पर्टिकुलरली जो भी फार्मा यूनिट्स हैं जो मेडिकल डिवाइसेज या मेडिसिन बना रही हैं वह सुचारू रूप से चलें उसके लिए स्पेसिफिक आदेश दिए हैं। उन्होंने साथ ही टेक्निकल जो हमने कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज जो जिले को बताई हैं सीधा जिला स्थाई पर डिसेमिनेट करने के भाग के रूप में आज सारे स्टेट्स को सारे जिलों को ओरिएंट भी किया गया। इस वीसी के माध्यम से जिले के अधिकारी जो हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया, जिसमें मुख्यतः जहाँ जहाँ पर हमारे इससे पहले काफ़ी अधिक केस आए हैं जैसे कि भीलवाड़ा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, पठान मिथा और ईस्ट दिल्ली के कलेक्टर्स और साथ ही मुंबई के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने अपनी जो जो स्ट्रैटेजीज उन्होंने फील्ड में अडॉप्ट की हैं उसको भी सारे जिलों के बाकी डीएम्स के साथ शेयर किया। इसमें जो दो मुख्य अंश निकल कर आए हैं, एक है प्रोएक्टिव और रूथलेस कंटेनमेंट इम्प्लीमेंटेशन एट फील्ड लेवल, और दूसरा है प्रिपेयर्डनेस टू द एक्सटेंट ऑफ बींग ओवर प्रिपेयर्ड ताकि हम केसेस को किसी भी स्थाई पर आए तो मैनेज कर सकें। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने अपने स्तर पर अडॉप्ट की हुई स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया, जैसे कि कैसे उन्होंने कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को डिलीनेट किया, किस तरीके से उन्होंने स्पेशल टीम से डोर टू डोर सर्वे करके जो उनके बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में जो फैमिलीज आती हैं लाखों की तादाद में जो घर आते हैं उनको कैसे सर्वे किया, टेलीमेडिसिन के द्वारा, कॉल सेंटर के द्वारा कैसे पैसेंजर्स जो आए हैं उनको वो मॉनिटर कर रहे हैं, इसी तरीके से किस तरह से रिंग फेंसिंग करते हुए हाई रिस्क पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन को कैसे उन्होंने अपने जो भी प्रांतों की पॉपुलेशन को मॉनिटर किया, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के बारे में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और कैसे उसको बढ़ा रहे हैं उसके बारे में बताया। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर को लेवरेज करते हुए किस तरीके से क्वारंटाइन के लिए होटल्स, लॉजेज और हॉस्टल्स का उपयोग किया जा रहा है फील्ड स्थाई पर, इसी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा आइसोलेशन और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को कैसे एनहांस किया जा रहा है वो बताया उन्होंने। अब तक देश में 274 जिलों में कोविड के केसेज आ चुके हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने स्पेसिफिकली सभी डीएम से ये रिक्वेस्ट की है कि कोविड के रिस्पॉन्स में यूनिफॉर्मिटी बने रहना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सभी जिले, देश के सभी जिलों में एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर कोविड-19 बनाया जाए। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में कोविड रिस्पॉन्स की प्लानिंग, प्रिपेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनी हुई एम्पावर्ड ग्रुप्स की कल मीटिंग ली और उन्हें ग्रुप्स ने जो जो एक्शन उनके स्थाई पर आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज, टेस्टिंग और क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग से संबंधित उसके बारे में अवगत कराया। ICMR ने कल एक एडवाइजरी जारी की है जिसके द्वारा क्लस्टर्स और कंटेनमेंट जोन में, लार्ज माइग्रेशन गैदरिंग्स में और इवैक्यूई सेंटर्स में कोविड-19 के मॉनिटरिंग के लिए रैपिड एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसके बारे में उन्होंने डिटेल गाइडलाइन इशू की है। और साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरह से RT-PCR टेस्ट की जो डिटेल्स हैं ICMR की लैब की नेटवर्क में पोर्टल में फीड करनी चाहिए, उसी तरीके से इन रैपिड बॉडी एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट की डिटेल्स भी ICMR के पोर्टल पर तुरंत से तुरंत उन लैब्स को भरनी होगी, उन कर्मियों को भरनी होगी ताकि अगर कोई पॉजिटिव केस आए तो रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। ICMR ने एक और एडवाइजरी के द्वारा बताया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना कोविड वायरस के स्प्रेड को बढ़ा सकता है। कोविड वायरस की महामारी के बढ़ते हुए खतरे को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपील की है कि कोविड महामारी के दौरान धूम्रपान, तंबाकू उत्पादन, गुटखा इत्यादि के सेवन और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से हम परहेज करें। हेल्थ मिनिस्ट्री ने
सभी चीफ सेक्रेटरीज को और सभी स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीज को भी कहा है कि जो नई इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट ने लागू की है उसके बारे में सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स को बताया जाए, ताकि उनको पता लगे कि सरकार उनके लिए किस तरह से प्रयत्न कर रही है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और उनकी अवेलेबिलिटी के लिए भी एडिक्वेट सप्लाईज हो उसके बारे में स्टेट से डिस्कशन में बताया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, कोविड 19 मैनेजमेंट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। उससे पहले वह RML और सफदरजंग हॉस्पिटल का दौरा कर चुके हैं और आज वह दौरे पर जो हमारा NCI झज्जर उसके दौरे पर भी गए हुए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने विभागों के काम की, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के डेडिकेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन की काफ़ी तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि आज देश उनकी सर्विसेज के लिए उनका आभारी है। साथ ही माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा है कि जब भारत और दुनिया के सभी देश एक वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुड़े हुए हैं तो उसी के तहत एक तरफ वह प्रयत्न चल रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन कोविड की सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है और इसके लिए सभी लोग उसमें हमें कॉन्ट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें। साथ ही नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत देश के 399 डिस्ट्रिक्ट्स में 24 स्टेट्स के अंदर 14,522 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत 65,000 मेंबर्स द्वारा मास प्रोडक्शन का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोविड 19 के लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की पावर, ट्रांसपोर्ट और की इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई डिस्टर्ब ना हो, उसके तहत भारतीय रेल ने 3 मार्च तक 2.5 लाख से अधिक कोल वैगन्स और 17,700 प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट वैगन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी किया है। भारत सरकार ने लॉकडाउन के संबंध में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के लिए एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस भी दी हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसानों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े और फसलों की हार्वेस्टिंग और सोइंग स्मूथली कर सकें। इसके साथ ही एग्रीकल्चर मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर वर्क, ट्रक रिपेयर शॉप्स ऑन हाईवेज, उनको भी एग्जम्प्ट किया गया है। टी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग प्लांटेशन, उनको भी एग्जम्पशंस दी गई हैं। भारत सरकार ने इसके साथ ही आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो हमारे 50 करोड़ से अधिक उपभोगी नागरिक हैं उनकी सुविधा के लिए अब उन्होंने कल एक आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत सरकारी लैब्स के अलावा प्राइवेट लैब्स के माध्यम से भी फ्री टेस्टिंग और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में कोविड से रिलेटेड इलाज मिल सकता है। इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी, अब तक जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि हमारा जो पूरा एफर्ट है वो एक प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव अप्रोच के रूप में है। हमारा पूरा एफर्ट है इस डायरेक्शन में कि इंस्टेड ऑफ वायरस चेजिंग अस, वी चेज वायरस, एंड दैट इज़ वाई हमारा एफर्ट स्टार्टिंग से ही सर्विलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर एक बड़े फोकस अटेंशन के रूप में रहा है। हम आप सबसे कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं। वी रिक्वेस्ट यू, हेल्प अस टू हेल्प यू। राज्य सरकारें लॉकडाउन का एनफोर्समेंट प्रभावी ढंग से कर रही हैं। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की स्थिति संतोषजनक है। जैसा आपको पता होगा, लॉकडाउन की गाइडलाइंस के तहत एसेंशियल गुड्स जैसे ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, उनके रॉ मटेरियल्स और पैकेजिंग मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनुमति है। 3 अप्रैल को हमने डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की थी, जिससे कि एग्जेम्प्टेड आइटम्स की सप्लाई चेन स्मूथली फंक्शन करे। इसमें इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एम्प्लॉयज़ की इंटर स्टेट मूवमेंट को भी अलाउ किया गया था। फिर भी कुछ पॉकेट्स में फार्मा यूनिट्स की समस्याओं का निदान करते हुए आज होम सेक्रेटरी ने संबंधित राज्य सरकारों को लिखा है कि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो बहुत क्रुशियल हैं उनका पूरा सहयोग दें। वर्कर्स की इंटर स्टेट मूवमेंट को सुचारू रूप से चलने के लिए SOP तैयार करें, जिससे कि स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन वर्कर्स की आवाजाही में समस्या ना आए। मैं आप लोगों को माइग्रेंट वर्कर्स और जो अन्य ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए जो फूड और शेल्टर की फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जा रही हैं उसके बारे में भी अपडेटेड जानकारी शेयर करना चाहूँगी। राज्यों में लगभग 28,000 रिलीफ कैंप्स और शेल्टर्स स्थापित किए गए हैं
और ये जो टू बी एग्जैक्ट 27,661 जो रिलीफ कैंप्स हैं उसमें 23,924 सरकार द्वारा सेटअप किए गए हैं और 3,737 एनजीओज द्वारा सेटअप किए गए हैं। इन शेल्टर्स में कुल 12.5 लाख लोगों को आश्रय मिला है। इसके अलावा 19,460 फूड कैंप्स भी सेटअप किए गए हैं जिनमें 9,951 सरकारों द्वारा लगाए गए हैं और 9,509 एनजीओज द्वारा लगाए गए हैं। लगभग 75 लाख से ज़्यादा लोगों के को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 13.6 लाख वर्कर्स को शेल्टर और फूड उनके एम्प्लॉयर्स और इंडस्ट्री द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सब कदमों के साथ हमारा पूरा विश्वास है कि लॉकडाउन मेजर्स सफल होंगे और हम कोरोना वायरस को फैलने से रोक पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपके लिए एक ऑनलाइन क्वेश्चन है। लेटेस्ट स्टडी ऑफ WHO सेज कोरोना इज नॉट एयरबॉर्न बट देयर आर सर्टन सेक्शंस ऑफ एक्सपर्ट्स हु बिलीव दैट इट इज एयरबॉर्न। इज देयर एनी कन्फ्यूजन ऑन दिस टू स्टेटमेंट्स? नहीं, कन्फ्यूजन तो देखो, एक तो हमने ये समझना है साइंस में जो भी एक्सपेरिमेंट करेगा कुछ लोगों के फॉर ओपिनियन रहेंगे, कुछ के अगेंस्ट भी रह सकते हैं, लेकिन हमको एक बैलेंस्ड एविडेंस बेस्ड जब हम अप्रोच लेते हैं तो हमको लेना पड़ेगा। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बोलता हूँ, ये सही मानों में अगर एयरबॉर्न होता था इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो कोई भी फैमिली में जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं सारे के सारे पॉजिटिव आना चाहिए। वो तो वही माहौल में रह रहे हैं जिस माहौल में वो जो पेशेंट है वो भी सांस ले रहा है और हवा छोड़ते ही जा रहा है। दूसरी बात हमको एक समझना चाहिए कि समझो ये भी नहीं होता था, हॉस्पिटल के अंदर जब कोई मरीज एडमिट होते हैं उनमें कुछ लोग ये COVID-19 की बीमारी हुई है या नहीं हुई है, 6-8 घंटे एक साथ पड़े, वो सारे मरीज उनको तो एक्सपोजर, जो दूसरे बाजू जो एडमिट हुए वाले मरीज हैं उनको भी तो इसका एक्सपोजर रहता था, उनको भी नहीं होता है। हमको एक भरोसा बहुत रखना है, कुछ कुछ चीज़ें इसके डिसीशंस जो होते हैं ना कोई एक्सपेरिमेंट्स पे होते हैं, जैसे कोई लोग गोल्डबर्ग ड्रम करके ड्रम होता है वो ड्रम के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये विषाणु हवा से फैलेगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल ढंग होता है क्योंकि वो ड्रम के अंदर हम देखने जा रहे हैं, वहाँ आपको कुछ भी दिखे उसमें सस्पेंशन पार्टिकल साइज जो होती है बहुत कम रहती है। हमको एक समझना बहुत ज़रूरी है, उसको हम हमारी भाषा में बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी बोलते हैं कि एक अंदाज कि ये सही में दिखता है या नहीं दिखता है। मैंने जैसे कहा फैमिली में के पूरे मेंबर्स पॉजिटिव हुए ये देखने का चांस उतना ही कम है, कोई हॉस्पिटल में कोई मरीज उधर एडमिट हुआ करके सब लोगों को लगने का भी हमने कभी इतना देखा नहीं है। आज तो 1 मिलियन से ज़्यादा केसेस हुए हैं, अगर इस किस्म के केसेस अभी नहीं दिखे तो मेरे मन में जो चीज़ है मैं इसे न्यूज़ जो हवा में आती है उस पर ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, जो एविडेंस है उसके ऊपर भरोसा रखिए।